उत्तर प्रदेश के आगरा में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी की जागरण यात्रा को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि मुलायम सिंह यादव के समय पर सपा के पास अखाड़े के पहलवान थे, अब समाजवादी पार्टी के पास भाड़े के पहलवान हैं। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि अब दूसरे दलों के आए लोग सपा के साथ हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि केवल नरेंद्र मोदी ही देश का नेतृत्व कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है। विकास योजनाओं पर आप पूरा पैसा खर्च किया जाता है। राहुल गांधी को लेकर पूछे गए सवाल पर डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि राहुल गांधी को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर संजय निषाद ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कहा कि जनता मोदी और योगी पर भरोसा कर रही है। यही वजह है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के साथ जनता ने निकाय चुनाव में भी भाजपा का साथ दिया है। भाजपा प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताया है। आगामी लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी भाजपा से कितनी सीटें मांगेगी, कितनी सीटों पर दावेदारी करेगी, इस सवाल पर डॉक्टर संजय निषाद ने साफ कहा कि वह सीट के लिए नहीं बल्कि जीत के लिए भाजपा के साथ चुनाव लड़ेंगे। गर्व से कह सकते हैं कि पहले मैंने इनको प्रमाणिक दस्तावेज लाया, प्रदेश को खड़ा किया। अनुसूचित जाति में इनको पता ही नहीं था मजवार क्या है, इन्हें पता ही नहीं था कि आरक्षण क्या होता है। इनको बताया कि भाई बड़ा घोड़ा छोटे घोड़े में अंतर है, अगर बड़े को किनारे नहीं करोगे तो छोटे वाले का भी चना खा जाएगा। तो तुम्हें अगर अपना चना चाहिए तो तुम्हें अपना टोकरी अलग करना पड़ेगा। और जो संविधान में मजवार लिखा है तो इनसे बताया भाई लेदरमैन तुमसे 100 गुना कमज़ोर है, उसने अपनी सभी उपजातियों को ले लिया, वाशरमैन ने ले लिया, फिशरमैन जो था वो पिछड़ी जात के चक्कर में दूसरे का झंडा उठा के अपना बर्बादी कर लिया। तो कभी 30 साल से सपा इन्हें पिछड़ी में डालती निकालती थी, एससी में डालती, बसपा उसे स्टे करती थी, यहाँ उत्तर इस तरह लटकू राम बना के 30 साल। जब से मैं आया कि भाई तुम्हें केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार नहीं, तुम्हें मझवार का आरक्षण संविधान में लिखा हुआ है, तुम्हें उपजातियों पुकारू नामों का आरक्षण नहीं, बल्कि जिस तरीके से लेदरमैन ने सभी उतरा दखना मुची अहिरवार गहरवार का चमार का लिया है, रजक बरेठा कन्नौजिया का धोबी का लिया, उसी तरीके से केवट मल्ला को मझवार का लेना है, कश्यप कहार को त्रया का लेना है, ये संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन इनकी फाइल को कांग्रेस ने, मुकुल वासनी और शैलजा ने गायब करा दी, जिसके वजह से इन लोगों ने, इनकी सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही थी सपा बसपा का 2004 से, तो मेरी जहां फाइल गायब हो गई हो वहां लड़ाई थोड़ी कठिन हो जाती है। तो आज के दिन में कोर्ट में मामला था, बंद हुआ। हमने 17 दिसंबर 2021 को बहुत बड़ी रैली की रामादेवी पार्क में, माननीय गृहमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री आए, मैंने कहा भाई मैं वकील हूँ, जजे हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने बुलाया, 18 तारीख को पत्र लिया, 20 दिसंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र भेजा RGI को कि भाई डॉक्टर संजय कहता है भाई केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात का हकदार है, 1961 में इनकी गिनती 70 लाख थी, अभी 7,000 हो गई, इसका दिशा निर्देश दो। पहली बार 70 साल में लड़ाई में आया कि RGI ने एक्सेप्ट किया कि केवट मल्ला मझवार हैं 18/1/2022 को, और ये अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध हैं, तुरैया भी हैं, और ये इनका सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन है, सामाजिक न्याय मंत्री ने भी एक्सेप्ट कर लिया। अब मामला ऑन टेबल है, लेकिन अब जब फाइलें गायब हैं तो उसके लिए टाइम, तो हमें उम्मीद है और माननीय गृहमंत्री ने वादा भी कर रखा है कि जिस तरीके धारा 370 खत्म हुआ, धारा हिंदू मुसलमान राइट खत्म हुआ, समस्या समाधान हुआ, राम मंदिर बना, समस्या समाधान हुआ, उसी तरीके से धीरे धीरे तुम्हारा धैर्य रखो, हो जाएगा सम्मानित। तो हमारी लड़ाई निर्णायक दौर पर, पहले की सरकार में जाते थे 7 जून 2015 को, गोली खाते थे, जान जाता था, जेल जाते थे, डंडे खाते थे, आज की सरकार है, प्रधानमंत्री उसको ज्ञापन लेते हैं, गृहमंत्री लेते हैं, उसे एक्सेप्ट करते, तो हमारे लिए गर्व का विषय, हम ऑन टेबल हमारे निर्णायक दौर पर। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के बाद कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने सर्किट हाउस में एक्वेरियम में मछलियां छोड़ी, कर्मचारियों से मछलियों की देखभाल करने की बात कही। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए आगरा से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट।